हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीष जैन फ्रॉम ट्रू मार्क एंटरप्राइजेस। आज मैं आपको बताऊंगा अल्ट्रासोनिक ट्यूब सीलर मशीन के रिगार्डिंग। ये जो प्लास्टिक की ट्यूब्स आती है, कॉस्मेटिक की ट्यूब आती है, लैमी ट्यूब, प्लास्टिक ट्यूब, ये ट्यूब्स को सील करने के लिए है। इस मशीन की खासियत ये है कि जैसे जो नॉर्मल आपकी हॉट एयर या हीटर बेस्ड मशीन होती है ट्यूब को सील करने वाली, उससे ये कई गुना बेटर अच्छी फिनिशिंग देती है। तो आपको दिखाते हैं इसकी फिनिशिंग कैसी है। ये कुछ ट्यूब के सैंपल है जो हमने सील किए हैं इस मशीन से। आप देख सकते हैं कितनी प्रोफेशनल और कितनी क्लीन फिनिश है इसकी। तो हम देखते हैं इस मशीन को कैसे ऑपरेट किया जाता है, क्या इसका बेनिफिट है। एंड ये मशीन बहुत ही इजी है ऑपरेट करने में। तो मैं आपको पहले इसके फंक्शंस वगैरह सब दिखा देता हूँ, फिर हम आते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या इसके माइनस पॉइंट है वगैरह। ये मशीन न्यूमेटिकली चलती है, इसको कंप्रेस्ड एयर लगती है मशीन चलने के लिए, और सिंगल फेज की सप्लाई पे मशीन चलती है। और ट्यूब की जो सीलिंग ही होती है उसमें कोई हीटर या कोई हॉट एयर गन यूज़ नहीं होता है, इसमें अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव मतलब आप जानते हैं सब कि जो साउंड वेव्स बोलते हैं जिसको, अल्ट्रासोनिक वेव को, उस साउंड वेव से इसकी सीलिंग होती है। तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे जब हम साउंड वेव को यूज़ करते हैं तो एक हीट जनरेट होती है, उससे ये ट्यूब सीलिंग हो रही है। तो वो सारा जो है हम इसके टेक्निकल जब फंक्शन हाउ टू ऑपरेट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये इसका पूरा कंट्रोल पैनल दिया हुआ है। ये जो है फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट है, अल्ट्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने के लिए। ये ऑलरेडी फैक्ट्री सेट आता है, आपको कोई इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो है पावर सिलेक्शन बटन है, इसको आप इनिशियली 1 पे रख सकते हैं। अगर कोई ट्यूब का मटेरियल बहुत थिक है, पावर ज़्यादा लगता है, तो आप 2 पे रख सकते हैं। दिस ओवरलोड डिले, ओवरलोड लाइट है जो इंडिकेटर है अगर करंट ओवरलोड हो रहा है या मशीन पे कुछ लोड आ रहा है तो है। और ये टेस्ट स्विच है, टेस्ट स्विच मतलब आपको ये अल्ट्रासोनिक वेव को टेस्ट करने का स्विच है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपकी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कितना एम्पियर करंट आ रहा है, ये जब हम टेस्ट बटन दबाते हैं तो ये आपको दिखाता है। एक साउंड भी होती है की करके, जो साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा, तो ये अल्ट्रासोनिक साउंड है। ये अगर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे हो तो शायद घर के शीशे भी तोड़ सकता है, हमको बहरा भी बना सकता है, बट ये यहाँ पे लिमिटेड यूज़ किया गया है। ये जो है न्यूमेटिक ऑन या ऑफ है। न्यूमेटिक ऑन मतलब ये जो उसका न्यूमेटिक सिलेंडर है, एक न्यूमेटिक सिलेंडर है जो जॉ को पास में लाता है और दूसरा जो है वो कटिंग करता है, उसके लिए ऑन का बटन है। एंड दिस इज द मेन पावर बटन, ये मशीन का मेन पावर बटन है। यहाँ पे 3 टाइमर सेट करने के लिए दिए हुए हैं हमको। तो जो पहला टाइमर है वो है एयर डिले, मतलब ये दोनों जॉ जब पास में आएगा तो कितने टाइम तक ट्यूब को प्रेस करके रखेगा। सेकंड टाइमर जो है आपका जो है वो अल्ट्रासोनिक डिले है, मतलब अल्ट्रासोनिक वेव्स उसको कितने टाइम तक एक्सपोज करेगी ताकि वो उतनी हीट मिलेगी। एंड थर्ड टाइमर जो आपका दिया है वो आपका एज डिले, मतलब ये कटिंग का डिले है, कटिंग का सिलेंडर का जो टाइमिंग है उतने टाइम के बाद वो कटिंग कर देगा। तो ये आपका सेट करने के लिए हमको सेट बटन दबाना है। इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं इस वैल्यू को हम, और इसके बाद वापस से आप इसको सेट कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं, मतलब जगह पे। तो ये सारे फंक्शंस हैं। इतना हमने अभी मशीन को इस ट्यूब पर्टिकुलर ट्यूब के हिसाब से सेट किया हुआ है। मशीन के साथ में इस तरह के कप्स बना के दे सकते हैं जो इस प्लेट पे आपका फिट हो जाएगा नीचे से बोल्ड लग के, और फिटिंग होने के बाद वो उस ट्यूब हम उस कप में डालेंगे। बट फिलहाल हमने ऐसा कोई कप प्रिपेयर नहीं किया है, हम डायरेक्ट ही सीलिंग करेंगे इसकी। तो ये एक सैंपल आता है, इसको मशीनिंग करके बनाया जा सकता है आपकी ट्यूब के हिसाब से, या ऐसे एक्स्ट्रा कप्स भी दिए जा सकते हैं। तो फिलहाल हम विदाउट कप ही ट्राई करते हैं। हमने इसकी हाइट जो है वो सेट कर रखी है। मैं यहाँ पे ट्यूब को जो ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा बैक है, तो हमको मैन्युअली थोड़ा सा, बिकॉज ये सेमी मशीन है, मैन्युअली हमको थोड़ा सा बेंड ऐसा कर देना पड़ेगा ताकि आपको रखने में आसानी हो। और ये मैंने ट्यूब को सेंटर में रख दिया है एंड मैं स्टार्ट बटन को प्रेस कर रहा हूँ, तो जो फंक्शन है वो ऑन हो जाएगा। इसका फिनिशिंग देख सकते हैं, एग्जैक्टली सेम फिनिश जो वीडियो के स्टार्ट में हमने आपको दिखाया।
पूरा जो इसमें लेटर्स डाले हैं 123 बैच कोड जो है 123 पूरा विजिबल है एकदम। और फिनिशिंग जो आप देखिए पूरी ऑटोमेटिक मशीन के जैसी इसकी फिनिशिंग है, इतनी फिनिशिंग आपको हीटर बेस या हॉट एयर वाली मशीन में मिलना मुश्किल होता है क्योंकि बहुत बार ट्यूब जलने की या ट्यूब कट जाने की शिकायत आती है। तो एकदम प्रोफेशनल लुकिंग सीलिंग करती है ये मशीन। तो अभी हमने ट्राई करने के लिए कि लीकेज होती है कि नहीं ये टेस्ट करने के लिए हमने दो ट्यूब में पानी भर दिया है। ये भरी हुई पानी की ट्यूब है तो इसको हम सील करके देख लेते हैं। हमने ये ट्यूब सेंटर में रखी, आप चाहिए तो ट्यूब को होल्ड कर सकते हैं और बटन प्रेस कर सकते हैं। तो ये पानी भरी हुई ट्यूब है, आप देख रहे हैं किसी तरह का कोई लीकेज नहीं है इसमें, फिनिशिंग एज इट इज है। और आपको अगर एज अ प्रूफ देखना है पानी तो ये अंदर से पानी जो निकल रहा है और कोई लीकेज नहीं है इसमें। ये पंप टाइप ट्यूब है तो ऐसे पानी नहीं निकलेगा, जब मैं पंप दबाऊंगा तो ही पानी निकलेगा। तो इसको मैं अभी साइड में रख देता हूँ। एक और मेरे पास ट्यूब है पानी भरी हुई, हम फिर से सीलिंग करके देख लेते हैं। के लिए हार्डली 3 सेकंड भी नहीं लग रहे हैं, 2 से 3 सेकंड में ट्यूब परफेक्टली सील हो जाती है और वो भी परफेक्ट फिनिश के साथ सील हो रही है। तो अभी हम इसका आपको क्लोज व्यू दिखा देते हैं। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये जॉ है, ये कटिंग का जॉ है, कटिंग का सिलेंडर है, ये कटर है हमारा, ये हमारा जॉ है और ये हमारा अल्ट्रासोनिक वेव जनरेटर वाला जो कंडेंसर होता है उसमें वो है। और जो बीच में गोल्डन कलर के लेटर्स लगे हुए हैं वो हमारे बैच कोड लेटर्स हैं, हम वहाँ पे लेटर्स हमारा मनचाहे लेटर 10 लेटर तक लगा सकते हैं। हम एक ट्यूब फिर से हम सील करके देखते हैं। ये मैंने ट्यूब रख दी और इसको हल्का सा होल्ड करते हुए मैंने बटन प्रेस कर दिया। इसकी फिनिशिंग एंड हार्डली इसने 2 सेकंड्स का टाइम लिया है। मशीन बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं करती है, सिंगल फेज 230 वोल्ट पे आपके जो घर की जो नॉर्मल बिजली की सप्लाई है उस पर चल सकती है। हाँ बस इसके लिए एक एयर कंप्रेसर की ज़रूरत पड़ती है, वो आपके पास होना चाहिए। अब हम इसको फटाफट देख सकते हैं कि क्या स्पीड से हम इसको सील कर पाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। लेवल की बात करूं तो हमको खाली ट्यूब रखनी है और ये ग्रीन कलर का बटन प्रेस करना है और ये फटाफट आपके एकदम परफेक्ट जैसे ऑटोमेटिक से सील की हुई ट्यूब की सीलिंग मिलती है वैसे सीलिंग मिल रही है। हार्डली 2 से 3 सेकंड लगेगा एक ट्यूब को सील करने के लिए। और इसमें डिफरेंट मटेरियल ऑफ ट्यूब, जो भी प्लास्टिक में मटेरियल होता है, प्लास्टिक हो गया, लेमिनेटेड हो गया, ABL हो गया, सारा का सारे मटेरियल आपके इसमें सील हो जाते हैं। अब देखिए इतनी ट्यूब सील की है, सबका सब फिनिशिंग एक सरीका है, एकदम यूनिफॉर्म फिनिशिंग है, कोई उसमें फर्क नहीं आएगा आपको। और सबसे बड़ी बात ये मशीन सीलिंग के साथ साथ ट्रिमिंग भी कर रही है, आपने नोटिस किया होगा। तो ट्रिमिंग की जो हाइट है वो भी आप सेट कर सकते हैं। ये सारे जो टुकड़े हैं ट्यूब के जो ट्रिम होके पड़े हैं तो ये ट्रिमिंग भी साथ साथ में कर दे रही है मशीन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और इसमें मशीन के बारे में अगर आपको और कोई भी क्वेश्चन है या डाउट्स है तो आप हमको नीचे वीडियो में दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। आपकी इंक्वायरी इसे है, अगर मशीन आपको अच्छी लगी परचेस करनी है तो व्हाट्सअप दिए गए नंबर पे कर दीजिए। प्लीज़ कॉल मत कीजिए, बहुत बार हम कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं, कॉल बैक हम आपको कर देंगे अगर आपकी इंक्वायरी आएगी व्हाट्सअप के द्वारा। एंड दिस इज़ आवर वेबसाइट www.truemarkindia.com और ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भी आपको दिया गया है। इसके अलावा अगर आप ऐसे और मशीन्स के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि ऐसे वीडियोस की जानकारी आपको रेगुलर मिलती रहे। थैंक यू।